मजा आने का बताइए। आप तो दिल्ली को जाम करने के चक्कर में आ रहे हो, बॉर्डर जाम करते हो, रोज का कमाने खाने वाले क्या नौकरी करेंगे मुझे बताइए आप। नहीं तो सरकार को तो मान लेना चाहिए ना। सरकार के तो कुछ मांगे मांगे अब मान लीजिए, मुझे कहा पराली मत जला, मैं पराली जला रहा हूँ तो सरकार क्या करेगी, केस दर्ज करेगी, उसका केस वापिस लो, बिजली के वो वापिस लो, उनके तो मांगे भी कुछ नाजायज ही हैं। आपको पता है क्या क्या मांगे हैं? MSP की MSP मांग रहे हैं वो, और पूछिए और क्या क्या है MSP उसमें। तो मैंने कल TV में देखा है वो बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि तब वो वापिस करवा रहे हैं, उनके तो लिस्टें लंबी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो फिर उनकी मांग। प्रदर्शन की तरह होता है सर जी, ऐसा भी होता है 2000 ट्रैक्टर लेके आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली कितनी बड़ी है, वैसे जाम लगा रहता है। अगर मान लो जो इन किसानों के आड़ में कोई दंगा होता है, कौन जुम्मेवार होगा से आप मुझे बताओ। चलो मैं भी किसान कपड़े पहन के आ जाऊँ, मैं कुछ गलत कर बैठूँ को किसान पर बदनाम होगा नहीं होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय पाल सिंह है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बाइक से काम करता हूँ, जहाँ नेट बनते हैं वहाँ से मुझे खाद आना पड़ता है। मेरे पिताजी भी किसान हैं, उनके अकाउंट में भी सरकार के खाते से पैसे आते हैं। आज से पहले बताओ किस सरकार ने पैसे डाले किस किसान के खाते में, बताइए मुझे। 10,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए किस किसान ने दिया आज तक, बताओ मुझे। हमारे गांव में शौचालय बना 10,000 रुपये देकर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2,50,000 रुपये दे रहे मकान बनाने के लिए, सरकार दे रही है, किस सरकार ने दिया 2,50,000 रुपये नहीं दिया आज तक। नोएडा सेक्टर 63 से आ रहा हूँ। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि सही हो रहा है? ये प्रोटेस्ट गलत हो रहा है, ये सबसे पहले तो जब सरकार बुला रही है कि हम बात करने को तैयार हैं तो बात क्यों नहीं करते हैं। कल पीयूष गोयल जी ने भी, अर्जुन मुंडा जी ने मीटिंग ली है, थोड़ा सा तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको भी कितनी परेशान होती है, कितना दिक्कत हो रही है, सब देखना चाहिए। गवर्नमेंट जब बात करने को तैयार है तो बात क्यों नहीं करते हैं सर? लेकिन ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो पब्लिक के फेवर में ही कर रहे हैं। नहीं नहीं देखो, थोड़ा फिर MSP कुछ गवर्नमेंट चाह रहे, कुछ शर्तें मान भी रही है इनकी, पर ये प्रोटेस्ट गलत कर रहे हैं। आपको क्या क्या परेशानी हुई, क्या डेली आप इसी रास्ते से आते हैं? डेली इसी रास्ते आना जाना होता है, कितनी परेशानी आप खुद देखेंगे उधर साइड में घुमा के, कितना जाम हो रहा है सर, लोग कितने परेशान हुए देखिए आप। जब कोई भी किसान आई नहीं, जब इतना दूर हाल आ गया कितनी दिक्कत हो जाती है। पहले भी 2 साल की भी दिक्कत रही है, पिछले साल अंदर बहुत जाम रहता था। पिछले साल भी आप नहीं, जैसे सरकार को 2 साल से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे बात सरकार तक पहुँचेगी? नहीं प्रोटेस्ट क्या, सरकार तो बुला ही नहीं है बात करने के लिए, सरकार मना तो नहीं करती है, बात करो आओ, उनकी मांगे मानने को भी तैयार है, ऐसा नहीं है मांगे नहीं मान रही है सरकार।